हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ वेज मंचूरियन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो इसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। जैसे कैरेट, जिसे हमने एकदम फाइन चॉप कर लिए, एकदम बारीक बारीक। और यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन चिली, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया। बीन्स, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया। अगर आप मिक्सी में ग्राइंड करना चाहते हैं तो आप रफली चॉप कर लीजिए मोटा मोटा, और फिर मिक्सी में चला के से एकदम बारीक चॉप कर लीजिए, क्योंकि हमें इसके लड्डू बनाने होते हैं। और ये शिमला मिर्च, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया। और मंचूरियन में सबसे इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स तो कैबेज होता है, आप जितना मर्जी डालिए। तो इसके लिए भी मैंने इसे फाइन चॉप कर लिया। और यहाँ पे गार्लिक लिया है, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। जिंजर, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। कोरिएंडर, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया। ओनियन, जिसे मैंने कद्दूकस किया है। और यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। चलिए अब हम इसके लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। फ्रेंड, कैबेज ऐड कर रहे हैं। कैप्सिकम ऐड कर रहे हैं, एकदम बारीक कटा हुआ था, मैंने बताया था आपको। कैरेट ऐड कर रहे हैं, और साथ ही ग्रीन चिल्ली और बीन्स ऐड कर रहे हैं, और ओनियन ऐड कर रहे हैं। एकदम मैंने कद्दूकस कर लिया था। और गार्लिक ऐड करेंगे, जिंजर ऐड करेंगे, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड करें ताकि अच्छा स्वाद आए। और इस जैसे हमने ये सब चीज़ें डाली है, वैसे ही हमें इसमें नमक और काली मिर्च डालना है, और जिससे कि ये पानी छोड़ेगा। फ्रेंड, ऐसे मिलाएंगे, और अब ये देखिए धीरे धीरे ये पानी छोड़ना शुरू कर रहा है। फ्रेंड देखिए, एकदम इसने पानी छोड़ दिया और हमारी सब्जी एकदम कम हो गई है। अब हम इसको, मतलब हम चाइनीज पकौड़े बना रहे हैं तो इसको अंदर से सॉफ्ट रखने के लिए हम इसके अंदर बटर ऐड करेंगे, ताकि ये अंदर से क्रिस्पी और अच्छे से पक जाए। और जब हम चाइनीज़ पकोड़े बनाते हैं तो 3:2 रेशो में हम मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। तो 3 चम्मच हम मैदा के डालेंगे, तो 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर के लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मैदा ऐड कर दिया है, अब 2 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। और ये दूसरा चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसके हम चाइनीज पकोड़े बना के तैयार करेंगे, गोल गोल लड्डू। अच्छे से मस लेंगे इसे बिल्कुल, ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए ऐसे। फ्रेंड देखिए, कितने अच्छे से ये मिक्सचर बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बनाने शुरू करते हैं। देखिए ऐसे करके बनाएंगे। फ्रेंड, अगर ये लड्डू आपके हाथ में चिपकते हैं तो आप अपने हाथों में हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लीजिए, जैसे ये चिपकेंगे नहीं। ये देखिए हमारे लड्डू ऐसे बनके तैयार हो रहे हैं, और ऐसे ही हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड देखिए, हमारे लड्डू बनके एकदम रेडी हो चुके हैं, और वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। फ्रेंड यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम करके और तेल को भी अच्छे से गरम कर लिया, और एकदम हाई फ्लेम पे रखा है। और अब हम इसमें चाइनीज पकौड़े तलेंगे, और हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, तो इसके लिए हम पहले अपने पकौड़े को हल्का तलेंगे, और फिर दोबारा उसे थोड़ा सा ठंडा करके फिर दोबारा तलेंगे। फ्रेंड यहाँ पे हम एक साथ अपने सारे पकोड़े नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि फिर ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे, और इनके फटने के भी चांसेस बनते हैं, इसलिए हम इसे धीरे धीरे करके फ्राई करेंगे। इन पकोड़ों को फ्राई कर लिया है, और इसे हमने अभी आधा ही पकाया है, मतलब आधा ही फ्राई किया है, और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। और जब कोई रेस्टोरेंट में जैसे ऑर्डर लेने के लिए आता है, और तब वो क्या करते हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ।
रेस्टोरेंट, आपको पता है रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं? वो पहले से एक सॉस बना के तैयार रखते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे सोया सॉस ले रहे हैं, और यहाँ पे ऐड करेंगे सोया सॉस बाउल में, और साथ ही हम विनेगर ऐड करेंगे, देखिए, और साथ ही हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, ये ग्रीन चिली सॉस है, और साथ ही मैं टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी सॉस बन के एकदम रेडी हो गई है। फ्रेंड देखिए, दोनों कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, और एक पे हम अपनी सॉस तैयार करेंगे यानी कि ग्रेवी बनाएंगे, और दूसरी तरफ हम अपने पकौड़े तलेंगे। फ्रेंड ओनियन ऐड कर रहे हैं, और साथ ही हम इसमें गार्लिक भी ऐड करेंगे। और जिंजर ऐड किया हमने, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, आधा पकाएंगे और आधा इसे कच्चा ही रखेंगे। और इसमें हमने कैप्सिकम ऐड किया है, और बीन्स ऐड किया है, ग्रीन चिली ऐड किया, और कैरेट ऐड किया है, और इसे अच्छे से चला लेंगे। और फ्रेंड दूसरी साइड में हम अपने पकोड़े तलने के लिए डाल चुके हैं, देखिए इस तरीके से, और ये यहाँ पे फ्राई होंगे, और यहाँ हम अपनी ग्रेवी बना रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अजीनोमोटो ऐड कर रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं ऐड, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड यहाँ पे हमने सॉस ऐड कर दिया है जो हमने सॉस बनाया था, और अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि हमारे सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड देखिए, एकदम क्रिस्पी बॉल एकदम अच्छे से हमारे रेडी हो चुके हैं, और आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हो, और देखिए अंदर से भी कितने अच्छे तरीके से फ्राई हुए हैं, ये देखिए। हमारी सॉस भी रेडी हो चुकी है, अब हम इसमें बॉल्स ट्रांसफर करेंगे, ये देखिए ऐसे। और इसे 2-3 मिनट पकाएंगे, और ये हमारे वेज मंचूरियन बनके एकदम रेडी हो गए। फ्रेंड अगर आपको हमारा ये रेसिपी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। हमारे मंचूरियन, वेज मंचूरियन रेडी टू सर्व है। अब हम इसे ऊपर से धनिए से गार्निश कर लेते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। थैंक यू।